आधार पर जिन्होंने दुकान चलाई है, जिन्होंने व्हीकल चलाए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियां चलाई है, वो सारे लोगों को पकड़कर उनका सारा संपत्ति बताऊं कि ये षड्यंत्र है। मान्यवर, सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 60 अकाउंट ऐसे मिले जो 22 के दिन शुरू हुए और 26 के दिन बंद हो गए। 60 अकाउंट, और वो क्या समझते हैं बंद करने से बच जाएंगे क्या? जहां पर भी है पुलिस ढूंढ कर निकालेगी। मान्यवर, 25 मामले हमने आईटी एक्ट के तहत दर्ज कर चुके हैं, उनको भी ढूंढ के निकालेंगे। ये जो कठोर कार्यवाही करते हैं वो बाद में कहीं आ न जाए बचाने के लिए, मेरा इतना ही सबसे निवेदन है। मान्यवर, हमने विज्ञापन और सोशल मीडिया से भी अफवाहों से दूर रहने का हमने किया। मान्यवर, पैसा भी दिल्ली में पहुंचाया गया है, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। हम इसकी तह तक जाएंगे, इसकी रिसीव करने वाले लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मगर पैसा भी पहुंचाया गया, सोशल मीडिया से भड़काया गया, उसके खिलाफ 14 दिसंबर, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी गंदे भाषण किए गए और ट्रंप आए तभी करो इस तरह से उकसाया गया। मैं मान रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पुलिस अभी ढूंढ रही है कि इसके पीछे क्या हुआ। ये पूरा दंगा जो हुआ उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी चली, मुझे भी भयंकर दुख वेदना भी, किसी की काले पसीने की घाड़े पसीने की कमाई रंगों में जलकर राख हो जाए। मगर मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, हमने क्लेम कमीशन के गठन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिख लिए हैं। वीडियोग्राफी के आधार पर जिन्होंने दुकान चलाई है, जिन्होंने व्हीकल चलाए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियां चलाई है, वो सारे लोगों को पकड़कर उनका सारा संपत्ति इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इसके लिए आप एक हाईकोर्ट के जज का नाम दीजिए। ये पुलिस नहीं करने वाली, हाईकोर्ट के जज ही करने वाले। ये पूरा गंगा, और काफी सारे सदस्यों ने मेरे बारे में भी सवाल उठाए, आपको मेरे बारे में सवाल उठने का अधिकार है और आप उठा सकते हो, परंतु तथ्यों के साथ तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि मैं वहां ट्रंप के कार्यक्रम में बैठा था। मान्यवर, श्रीमान ट्रंप का कार्यक्रम पहले से तय था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, मेरा जाना भी पहले तय था और मैं अगले दिन गया, उस वक्त कोई घटना नहीं। और मान्यवर, मैं यहाँ पर 6:30 बजे आ गया। उन्होंने कहा कि ताजमहल गए, मैं कोई ताजमहल नहीं गया। दादा सुनिए ना, काफी सारे लोग बोले, मैं सीधा यहाँ आया। उसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पर श्रीमान ट्रंप की अगवानी हुई, मैं नहीं गया था। दोपहर को लंच हुआ, मैं नहीं गया। रात को डिनर हुआ, नहीं गया। डिनर में भी नहीं गया, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो दादा। पूरा समय मैं दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर ये कैसे आगे न फैले और कैसे कंट्रोल हो। ये जो शरणार्थी आए, मान्यवर, ये जो शरणार्थी आए आजादी के बाद, अब तक वीजा और नागरिकता के बारे में 27 जगह पे धर्म का उल्लेख हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, और कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा हुआ है। मैं पूरा रिकॉर्ड भी लाऊंगा, सदन के सामने एक अलग चर्चा में विषय भी लेकर आऊंगा। और एक बात आई कि कोई कानून ऐसा नहीं जो धर्म के आधार पर हो, 25 कानून तो मैं जानता हूं,